तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। आप लोग यहां से इसको देख सकते हो पूरा का पूरा। आज हम यहां से मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ से आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन समझ में आ पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा या आपके पेपर का कोड कुछ इस प्रकार का यहाँ पर छपा हुआ। आपके स्कूल में दोस्तों बिल्कुल पूरा का पूरा इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसे हम दोस्तों अभी अभी स्कूल से लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए आपके स्कूल में भी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम देखने वाले हैं। देखिएगा इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या होगी 8 और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप सभी लोग कक्षा 9 में गणित में पूरे अंक ला सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। देखिएगा वन बाय वन करके हम सभी प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प आपको चुनने को पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है ए एम इंटू ए एन का मान होगा। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, तो पहले का राइट आंसर आपका दोस्तों पहले नंबर का आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+5 का शून्यक होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, क्या होगा -5/2। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, वे बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वाई अक्ष पर स्थित है होगा। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये 0 और 4। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होंगी। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है आप सभी लोग यहां से इसको देख लें और समझ लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसका जो संख्याएं होंगी ये 15 और 10। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिएगा आपके लिए बड़ी ही मेहनत करके हम स्कूल से पेपर लाकर आपको बताते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, और आपका परीक्षाओं में भी इसी प्रकार का पूरा आता है। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोण कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो कहलाते हैं। देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको कहते हैं सम्मुख कोण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे यहाँ से एक अधिकतम वृत्त खींचा जा सकता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको पास से बता देना चाहता हूँ ताकि आप सभी लोग इनको नोट कर लें। ये दोस्तों सभी के सभी सही विकल्प के उत्तर मैंने यहाँ को आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। पूरा का पूरा पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का इसी प्रकार का परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूछा गया है, सबसे छोटी प्रागत संख्या है। देखिएगा सबसे छोटी प्रागत संख्या कौन सी है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है एक। सबसे छोटी प्रागत संख्या क्या है, एक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ से आपको लिख लेना है बराबर, यहाँ से आपको लिख लेना बराबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु कहलाते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है संरेखी बिंदु, संरेखी और आगे आपको लिख लेना है बिंदु, ये कहलाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास,
आप लोग यहाँ से इसको देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत की भुजाएं मीटर में मापी गई है, इसके क्षेत्रफल का मात्रक होगा। देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो पाँचवा क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे मीटर स्क्वेयर, ये इसका माप होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है। शंकु का आयतन का सूत्र है, देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। तो देखिएगा शंकु के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 πr² h। यहाँ से आप लोग लिख भी ले चाहे तो 1/3 πr² h देख सकते हो दोस्तों। सही विकल्प भी आपसे 6 पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आपसे 6 पूछे जाएगी और सही जोड़ी भी आपसे 6 पूछे जाएगी। आप एक एक करके दोस्तों सभी चीज़ों को समझ ले और थोड़ा सा पास से भी देख ले आप चाहे तो इसको। और इसके अलावा अब हम सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों सही जोड़ी का मिलान हम कैसे कर लेंगे। x का क्यूब + y का क्यूब, देखिएगा इसकी जोड़ी आपको मिला लेनी है सी नंबर से, और इसके अलावा x³ - y³। तो देखिएगा ये जो लिखा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे ए नंबर से। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ समान होती है, तो देखिएगा इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समान भुजाओं वाला चतुर्भुज, तो देखिएगा समान भुजाओं वाले चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है समचतुर्भुज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वृत्त का व्यास, तो देखिएगा वृत्त का व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो देखिएगा इस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ी का मिलान पूरा देख लिया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को भी देख लेते हैं। देखिएगा एक चीज़ और आपको यहाँ पर छूट गई है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन, सरल कोण जो कि दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अब देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने जोड़ी मिलान यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपसे 1×7 अंक में पूरा का पूरा पूछा गया है। तो चलिएगा दोस्तों अब इसको थोड़ा सा पास से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ सके। तो देख लीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, 1 by 1 करके हम सभी का सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में न्यून कोण की माप क्या होगी। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लें और इसको समझ लेंगे। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताने हैं सभी के सभी, तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लिखा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का न्यून कोण की माप क्या होगी। तो ये होगी दोस्तों 45 डिग्री, यहां से आप लोग लिख लें 45 डिग्री। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें एक, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक कोण हो सकता है, एक कोण समकोण हो सकता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समकोण वृत्त की लंबाई उसकी क्या कहलाती है। तो देखिएगा संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है उसकी परिधि कहलाती है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पाँच नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें इसका सूत्र लिख देना है 2πr² 2πr, और आगे आपको लिखना है कोष्टक के अंदर r + h। तो आप सभी लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे और अब आगे देखते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको क्या लिख लेना है, आंकड़े 3, 3, 2, 3 और 4 का बहुलक क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहां से इसको देख लें, इसका बहुलक कितना होगा। तो इसका बहुलक होगा दोस्तों 3, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपसे यहाँ से सत्य असत्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख लेंगे। पूरा का पूरा आपका जो पेपर है दोस्तों ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखिएगा क्या लिखा गया है, सत्य असत्य लिखिए, √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों √2, √3, √5 ये तो अपरिमेय संख्या है ना कि परिमेय। इसके अलावा बिंदु 0, 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये भी आपका पूरी तरह से असत्य हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 05 समीकरण y बराबर 5x प्लस 5 का हल है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है तीसरे नंबर का, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सत्य कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके दो समान क्षेत्र वाले त्रिभुज में विभक्त करते हैं। देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा गया है? वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। तो नहीं दोस्तों, ये आपका असत्य होगा क्योंकि उच्च सीमा तो 15 होगी, ये तो निम्न सीमा है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा आपको पूरे के पूरे इनका उत्तर भी दे दिया गया है, सत्य असत्य भी आप आगे यहाँ से देख सकते हो। और आगे दोस्तों यहाँ से आप लोग देख लेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जब पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर जीरो नहीं है? और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आगे देख सकते हो, क्या ऐसी दो परिमेय संख्या जिनका योग एवं गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसके अलावा आगे दशमलव में लिखिए, इन संख्याओं को आपको दशमलव में लिखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो, देखिएगा इस प्रकार का पेपर आप सबसे परीक्षा में पूछा जाएगा, चतुर्थांश किसे कहते हैं? इसके अलावा बिंदु 30 एवं 53 का किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा पास से देख लें। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ऊँचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहां से इसको पूरा का पूरा देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार आप लोग कर लेंगे। और आगे देख सकते हो, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे क्वेश्चन आप सबसे परीक्षाओं में इस प्रकार के पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहां से इनको देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 और 22 मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। तो देख सकते हो पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, यह पूरा का पूरा आप सबसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें और आगे ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब दोस्तों आप सभी के आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे के पूरे 75 में से 75 नंबर जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों समय रहते इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ी देर बाद में इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा तो इसलिए अभी की अभी आप सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दें ताकि दोस्तों आप जैसे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ ले सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।